तो बिहार की टीम है, इसमें जो प्लेयर्स हैं स्टीफन हेमराम ये गोलकीपर, एलोसन एक विदेशी प्लेयर जैसे नंबर 4, गोलू वर्मा जर्सी नंबर 16, बबलू सरन जर्सी नंबर 15, संजीत हेमराम टीम के कैप्टन 2 नंबर, फिलिप एक विदेशी खिलाड़ी है 8 नंबर, माइकल हसना 14 नंबर, स्टीफन टुडू 12, जोसेफ बर्बो जर्सी नंबर 11, श्रीकांत सोरेन जर्सी नंबर 6, कुली उली जर्सी नंबर 10 और सब्सिट्यूट बेंच में यहां पर मैं देख रहा हूं कि सिजवा की अपेक्षा ज्यादा सब्सिट्यूट बेंच में प्लेयर्स को मैं देख रहा हूं। यहां से हमारे बाथुरापुर टीम से बोडो सोरेन 7, चार्ले सजदा गोविंद मल्टो 5 में, सुरेंद्र किसको 3 नंबर, बबलू टुडू और लखीराम किसको जैसे खिलाड़ी सब हैं। जो मैच मैं अब बेंच को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, अपना पाली का इंतजार करते हुए और इस मैच के जो मुख्य रेफरी रहेंगे अजय बलांगी सर, इनके किकअप विजिल के साथ ही मैच कुछ ही समय में प्रारंभ होना है। और इसी किकअप विजिल के साथ ही आज का ये टूर्नामेंट का सेकेंड सेमीफाइनल प्रारंभ होता है। ग्राउंड नाम उत्तर नखा कोई बोल रहे डील पूर अना रंगा जर्सी रहे नुकू टीम दो सार्जन बगर बुकिंग तला रहे दवा गोते ही जान थोड़ा बताओ दो साल सेमी फाइनल का ना अब वो बनाई गया जैसे सिजवा टीम हो डी नपा या डी संतुलित टीम का ना कर आरते ही नाम मथुरा पूर टीम से मेको गति नपा कर सेमी फाइनल का ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚᱭ ᱱᱩᱠᱤᱱ ᱵᱩᱫ ᱠᱚᱭ ᱫᱷᱟᱣ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱴᱤᱢ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱜᱤᱛᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱷᱟᱭᱱᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮ ᱠᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤᱥᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱᱫᱤ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱᱫᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱢ ᱵᱤᱡᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱵᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱵᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟ ᱮ ᱵᱤ ᱪᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱥᱤᱨᱠᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱩᱱᱩᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱥᱴᱤᱯᱷᱟᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮ ᱵᱤ ᱪᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱢ ᱵᱚᱱᱫᱚ जैसे जैसे भाग समय हो गया निश्चित रूप से बैच रहे उतना बदलाव नहीं मिल गया उन्हें खोज बड़ी मौज उन्हें मेन कवरिंग नहीं मिला गोलो बुरमो उन्हें दाऊद आउटा हेडिंग माध्यम से बड़ी मौज उन्हें ना साइलेंट है गति के लिए साइलेंट उन्हें खोज बड़ी मौज उन्हें बोलने गति लगाने गया सपोर्टिंग प्लेयर्स रखी बनकाई बोल भी बाइसेप्स नहीं रहा जब तक गोल एंकर टेक किया डंट किया उन्हें कोई कीपर इस कीपर हमरा लगे तो दूसरा तो बना टीम वाली संतुलित टीम का ना कि बना टीम से कोई का दो प्लेयर्स को बना कर मिनी प्लेयर्स जाए लेकु का फिर लेकु थोड़ा मन गति ना लेकु थे और वह तजुर्बा को दाव हालांकि उन्होंने बाथुरा पोर टीम से कोई ना तो तक उन्हें विदेशी प्लेयर्स बना कर बन खाई इन हो उन्हें मैं लेकु का सीजन टीम एंटे सिल्वा टीम से उगना छत्ता बना भागे भागे टीम बेटा मैं हूं देओ गाते गाते उनको बेटा मैं तक आते कर को एक बड़े एकदम करम उठे अनुभव बना पर जा लेकिन ते ही ना हुआ सेमीफाइनल मैच रे लोकी बहुत को ना को टीम वा मैच की तो दरकार करना और फाइनल में जगह की से निश्चित दरिया करना ये आज सिर मीट है मोस्ट विन मैच हर हाल में जीते गला मैच के बाद वहां और बना टीम का इच्छा था है दानो राजा हाल का टिकट वा मैच जैसे भी हो हर हाल रे दिमाग में जीतो गटर फाइनल रे अपना रा ठे हमेट लगी बी सखवा संथाल तगारिया चुनिंदा टीम्स चुनिंदा क्लब
Sarjok Bagan Sijwa Brapara. Arvin Sekhoy. Biharya Mathurapur Khoy Sedargati. First half Priyagati Parimol Saran. Adi Jane Mane Goalkeeper. Unit ini juga goal Uno Alga Banghua. Mencha Nagar Thoda Gar Luap Starting Advanam Jalhai. Silent Hemram Joki Center Forward Ne Jabki Saab और दाऊद जैसे खिलाड़ी को कुछ चीज का हुआ लीड को बना दिया अपना समय फिलहाल भोजे बॉल सप्लायर या पोजीशन में बिटवीन कोई अभी बेहतरीन सीमा वाला शॉट मगर ओपोनेंट टीम पर अतिका संजीत बेहतरीन उन्होंने पास स्टार खिलाड़ी स्टीफन टूडो लगी फिर से बॉल संजीत कटिंग बचा पास रिया चेक कर रहता है कदम लेकिन मिडिल में बॉल फिलिप चेल्सी नंबर 8 होने का बॉल बाय पलंदर तुरंत की भोजे बॉल सप्लाई एड बेहतरीन सही रेंज रहे दाऊद थोड़ा का खुद रे बैलेंस फ्लाई बना दो रीडर अरुण ये तो फिर से उड़े मंडे हटा बेहतरीन पास उड़े साम लगी साम को भी बचा पास उड़े भोजे भोजे बाड़ी बैटरी सही जगह रहे मंडे अपा थोड़ा का गेंद रे पास लिखा है कई तरह का खाउंड है दाऊद और इस ओड है सैलेंट जैसे खिलाड़ी मैं कह रहा हूं काउंटर अटैक ली माइकल श्रीकांत बॉल एक्सेलेट कर लिया श्रीकांत तुम्हारा संताल परगना अंदर रन गोल मशीन रूप रे मसूर जितु बनी खिलाड़ी फिलहाल ने तो मिटे खिलाड़ी थे को तेला से बड़ा गया चेक कर रहे माइकल कटिंग बचा पास कोने बोली लगी कोने बोली जी बोला पर अपना स्पॉट गोलकीपर जरूर अड़क फिर उठ रहता है करा गडिया रे बुआ हाथ सामने का हम तो रहता है क्रिकेट भी बॉल पीछे ने गोलकीपर जिया ने ध्यान करता है उनको बचा करा और बका पहली झटका सांजो बगान सिंधु टीम को जा दिया कोने बल्ले वो विदेशी मूल रन खिलाड़ी खड़े सही जगह रे सटच को लग गया ये भी करे सन्नार और ट्राई ट्राई करते हैं सैले भंडो दोनों तरफ से अगर एक एक खिलाड़ी का अगर तुलना करें तो चुनिंदा खिलाड़ियों से बराबर खतरनाक खिलाड़ी से भरे हुए दोनों टीम और इस मैच में एक दूसरे को अच्छा टक्कर देते हुए बहुत ही हेवी कांटेस्ट देखने को मिल पावा और सांप के लिए बॉल को वहां पर अरे छतु पास पर हट गया है सांप को लेकिन इससे पहले इनोसेंट बहुत ही मजबूत डिफेंडर विदेशी मूल के ये डिफेंडर इससे आगे निकल पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए उतना आसान नहीं रहता है और हमेशा ही वो बॉडी पोजीशनिंग और साथ ही साथ मैन कवरिंग के साथ बॉल के कंडीशन को अच्छी तरह से भाप लेते हैं लेकिन इस बार फिर से माइकल अपने हाथ के बॉल को निकाला है इस बार फिर स्पेस से आ गए बॉल के साथ तेजी से बढ़ने की कोशिश लेकिन यहां पर नरेश को तो चटका दिया लेकिन थोड़ा सा बॉल को ज्यादा गति दे बैठे और इस वजह से उनके पर खेलने कोई दिक्कत नहीं बहुत ही खूबसूरत मुकाबला चल रहा हमेशा से ही सेमीफाइनल फाइनल से बड़ा मुकाबला माना जाता रहा है और यहां से एक कदम आगे निकलना चाहेंगे दोनों टीम इस मंजिल की खोज में इसी बीच बल्ली बॉल सप्लायर के पोजीशन में अगर देखा है तो बेहतरीन खिलाड़ी है और फिलहाल भोजे बहुत मेहनत कश खिलाड़ी आगे बढ़ने के चक्कर में है लेकिन पापा डेलोसन का अच्छा पास संजीत संजीत का अच्छा पास वहां पर स्टीफन से फिर से जोश राइट विंग के पोजीशन से प्ले को चेंज करते हुए बहुत ही सुंदर गोलकीपर ने डायव मार के बॉल को रोका है लेकिन यहां पर बॉक्स के अंदर श्रीकांत लेकिन बुद्धिमानी दिखाया है वहां पर चार नंबर जैना थुरू ने कि वहां पर उनके रनिंग एरिया को ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से श्रीकांत का फिर से दोनों तरफ से मिस टाइम पास हो रहा है फिर से स्टीफन बहुत ही टक्करदार मुकाबला आज के दिन का सबसे जोशीला बेंच मुझे नजर आ रहा है फिलहाल यहां पर बॉल के साथ तेजी से अंदर घुसने की कोशिश बब्लू सरन का ये ट्राई बड़ी बहना दर्शकों को निश्चित रूप से इस खेल को देखकर वहां जिस गति के साथ दोनों टीम खेल दिखा रहे हैं इस खेल में स्किल खिलाड़ियों के अंदर वो टेक्निक देखने को मिलता है माइंड गेम दोनों टीम प्ले करते हैं और बहुत फुर्ती के साथ फिर से आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एलोसन देखिए सबसे पहले उसने श्याम का रनिंग एरिया को ब्लॉक किया कि वो आगे मूव ना कर पाए और ये टेक्निक हीरोड ये के दौर मां लहारंग दुरुप्त बुलते हैं तायम रन आलम पर विकेट को जतन के लिए
बहुत ही सुंदर कोने बनी इस बार खतरनाक सीट हो सकती
लेकिन काफी बाहर, 6 यार्ड बॉक्स से 18 यार्ड बॉक्स से काफी बाहर था ये क्रॉस। और फिलहाल बॉल को आपने कब्जे में कर लिया सीमा, सीमा हजार थोड़ा सा वहां पर मिस पास किया लेकिन फिर से बॉल को जीत लिया और तुरंत ही वहां पर काउंटर अटैक के लिए सीमा थोड़ा सा बॉल टकराने के बाद बॉल पोजीशन गवा दिया और तुरंत बॉल छीनने के तुरंत बाद बबलू। क्या खतरनाक मैच, उठा पटक मैच। आप शेर हैं तो मैं भी सवा शेर हूँ, आप अगर तकनीकी रूप से अगर आगे हो तो मैं ही, मेरा भी उतना ही प्रतिभा है कि आपको मैं रोक सकता हूँ। और ये चैलेंज इस मैच में देखने को मिलता हुआ फिर से बोलू बड़ी मेहनत वाला खिलाड़ी के लाइन है डिफेंस लाइन में। हालांकि बॉल नरेश बहुत ही सुंदर बॉल को मोड़ दिया, जैना तुरंत तब तक में क्लियर करने में सफल। फिर से भोजे का अच्छा पास यहाँ साथी खिलाड़ी बंडी हटप और फिलहाल प्लस पास किया फॉर आउट लाइन के हेंडा इस बार डाउन टू डाउन फकत अलग सीध होंगे। यहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा बैक पास किया अंदर है और साइलेंट हमरा मौका तलाश रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहां डाउन के लिए इस बार डाउन नीचा पास लेकिन भोजे के पास सही तरीके से बॉल सप्लाई में गलती किया और काउंटर अटैक के लिए कीपर टू बढ़ते हुए इस बार बिहार तरफ से बिहार टीम साजिब मैदान के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जोसेफ फिर से वहां पर तालमेल फिर से गड़बड़ा गया तो निर्णय बहुत कहते लोकेट बीच रहे लोसिया हो अगर हम इस पास के बाद आमरण खिलाड़ी आमरण अगेंस्ट टीम तुरंत आम क्षेत्र में आमरण बना दिया और गेंद का बना टीम पूरा खेल दूर था नीतो बबलू सोरेन हाथ ही लगी नफा खिलाड़ी के लिए बोलू फुल बैक रे अटी मजे का प्यार बॉल अटी मजे का हुआ मैं कहता था कोई और नरेश अनुभव ही खिलाड़ी के नहीं हां देखो कोई और टीम बोल दे गरगरा दा भी खिलाड़ी जने के नहीं कनु 15 नंबर ने छी महंगा मैं की बबलू बार बार लहा से बड़ा बड़ा हाथ खोए बॉल अटी लहा भी है उस सटर को कर नोवा ये ते लहा रे खिलाड़ी अतिरिक्त मेहनत पर लगा हुआ मैं कहता नरेश एक धाव रहा क्षेत्र का बल्ले ठोके गिरा नवा लखा ओलेस एलो सेल हां लुई जर्सी नंबर 8 और का थोड़ा गड़ा मिस्टेक था पिच पॉइंट जने के नाम है ओका दाव थ्रू बिहार टीम के खिलाड़ी के नाम बिदेना मंडी कटी बचा पास सीमा लगी सीमा की बहुत लेवल लहा हुआ दिया मेंथन ऑफ साइड ले सारा गया सुदीप मंडल जी इस मैच के असिस्टेंट रेफरी को धन्यवाद देता हूं इतने सुंदर जो रेफरी का भूमिका अदा कर रहे हैं। और हमेशा मेरा मानना है कि रेफरी कोई भगवान नहीं होते, वो भी मानव ही होते हैं, मानवीय गलती हो सकती है लेकिन इन सभी रेफरी ने बहुत सुंदर तरीके से मैच को खुलवाने में सफलतापूर्वक अभी तक संपन्न कराने में सफलता हासिल की है। लेकिन क्या यहाँ पर शॉट ब्लॉक हो गया इस बार यहाँ पर डेंजर प्लेस से बॉल को वहां पर सही दिशा डालना चाहते थे मंडी माफिया भोजे ने लेकिन इस बार काउंटर अटैक देखे क्या गोल हो गया लेकिन जी नहीं थोड़ा गम है लेकिन यार लिखा सीधे नेट अंदर चला गया अभी बेहतरीन जगह रे क्रॉस लिया और इसके साथ पर जर्सी नंबर 7 अजीत मुर्मू मैदान के अंदर आते हुए फ्रेंड्स लैंड है 2 नंबर नरेश बेहतरीन पास 9 नंबर जैसी ही सिया में गलती करा जरूरी बात है कि नाम बड़ा भोजे की मौका था टाइम रहे थोड़ा गल है लेबे टाइम बाय का चांस बना हुआ मैं खा जोसेफ ओका दो देसी लेग रो ने खिलाड़ी और डी बात मेरे गति के नाम खा दे मैं का बेहतरीन पास मैं खा का कतरे गोलू पटास में छह शॉट करा दे हो अगर में छाते दो जब भी शॉट जाम खाए बॉल अडी सिंग चला आनिया बीच रहे लोड़े संगीत संजीता क्रॉस बेहतरीन जगह रे आ रहा बैन खा ना पेनी गोल के पर पूरी बॉल लहा से दौड़ दौड़ दुखते बॉल अड़ी पर गलत रहता हुआ और साइले लोड़े तड़ा था साइले लाठी लोड़े